कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ा दिया है। डीजल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, लेकिन रोड सेस को 8-8 रुपए दोनों ईंधन पर बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब डीजल पेट्रोल पर लगने वाला रोड सेस बढ़कर 18 रुपए हो गया है। लेकिन क्या आप जानते भी हैं कि ये रोड सेस है क्या? पेट्रोल डीजल पर कई तरह के टैक्स लगते हैं, इनमें रोड सेस भी लगाया जाता है। पेट्रोल खरीदते वक्त आप एक बड़ा हिस्सा रोड सेस के रूप में चुकाते हैं, जो एक तरह का टैक्स ही है। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले इस रोड सेस से तेल कंपनियों को कोई कमाई नहीं होती, न ही रिटेलर इससे कमाते हैं, बल्कि ये पूरी कमाई सरकार के खाते में जाती है। रोड सेस की शुरुआत 1998 में हुई थी। पहले इसे सिर्फ पेट्रोल पर लगाया जाता था, हालांकि 1999 में इसे डीजल पर भी लगाया जाने लगा। रोड सेस से होने वाली कमाई का इस्तेमाल देश में सड़क, ब्रिज, अंडरपास बनाने के लिए किया जाता है। सरकार इसे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने वालों से वसूलती है, मतलब इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। एक वक्त था जब सरकार इसे 1 रुपए रोड सेस वसूलती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाता रहा। आज 1 लीटर पेट्रोल डीजल खरीदते वक्त 18 रुपए लीटर तक चुकाने पड़ते हैं। 1998 में जब रोड सेस की शुरुआत हुई तो केवल 1 रुपए वसूला जाता था। अप्रैल 2003 में पहली बार रोड सेस में 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2005 में फिर से 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। 2005 तक ये 2 रुपए प्रति लीटर वसूला जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होती रही।